अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के रिलेटेड एक प्रोफेशनल कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी जितनी क्यूरीज और क्वेश्चन हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड उनको भी डिस्कस करेंगे। तो काइंडली वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा ताकि आप इससे बेनिफिट ले सकें। तो आज की वीडियो में फ्रीलांसिंग के रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं आपकी, कि फ्रीलांसिंग किस चीज़ का नाम है, फ्रीलांसिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, टीचर है, या किसी भी लाइफ में किसी भी शोबे से वाबस्ता है, तो आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अपने करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन सब क्यूरीज को, इन सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं बहुत वैल्यूएबल कॉन्टेंट शेयर करूंगा। कोर्स पर फर्दर मूव करने से पहले मैं अपना जस्ट लाइट से इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले अबाउट माई फ्रीलांसिंग करियर को देख के। और मैं आपको वो भी बताऊँगा कि फ्रीलांसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई है, फ्रीलांसिंग ने कब बूम पकड़ा है, उन सब एस्पेक्ट्स को मैं डिटेल में एलैबोरेट करूंगा इंशाल्लाह। तो जस्ट अपना लाइट साइड इंट्रोडक्शन के बताता हूं मैं। तो ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है, सीवी या रिज्यूम बेस। जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कुछ भी सेशन कंडक्ट करता हूँ तो मैं मोस्टली इसी को यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन मैनेज की हुई है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगा ये ताकि आप इसे बेनिफिट ले सकें। आज के सेशन में जो हम एजेंडा डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अपना, उसके बाद हम देखेंगे फ्रीलांसिंग क्या है, किन किन प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं, इसके मॉडल कौन कौन से हैं, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेज के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट आप कौन कौन से टिप्स आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए फॉर सक्सेसफुल करियर इन फ्रीलांसिंग। उसके अलावा हम क्यू ए सेशन भी करेंगे, एक आपकी क्वेश्चन आंसरिंग भी करेंगे, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आंसर हम आपको डिटेल में देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को हम प्रॉपरली रिप्लाई भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैं जस्ट अपना नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद शहरियार है और मैं करंटली एज एस एस टी कंप्यूटर साइंस जॉब कर रहा हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर मैं अपना लाइट साइंस इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि मैं करंटली एम फिल कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। इससे बिफोर मैंने बी एस आई टी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर मेन कैंपस से, और इससे बिफोर मैं आईसीएस किया था सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज से। तो करंटली मैं एस एस सी कंप्यूटर साइंस जॉब कर रहा हूँ सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर के तौर पे, और इससे बिफोर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब की थी एज ए मोबाइल ऐप डेवलपर के तौर पे कंसोलियर्स लाहौर। एज ए करंटली मैं मास्टर ट्रेनर के तौर पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कायद इंस्टीट्यूट के अंदर, कंप्यूटर के रिलेटेड ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं। और इसके अलावा जो मेरा मोस्ट और हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का फ्रीलांसिंग के हवाले से डिस्कस करना, तो इस फ्रीलांसिंग के अंदर मेरा लास्ट 5 ईयर्स से एक्सपीरियंस है और मैं बहुत अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा स्टार्टअप भी रन कर रहा हूँ जिसका नाम डिजिटल सॉल्यूशन है, और इसमें भी मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी रेज होती है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया गया था कि एक एवरेज पर्सन 6 to 7 आवर डेली स्पेंड करता है स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए, और इन स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए वो या तो टिकटॉक यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, यूट्यूब करता है, इसके अलावा गेमिंग खेलता है। तो इन प्लेटफॉर्म को वो इतनी देर यूज़ करता है डेली बेसिस पे। तो इसी को अगर हम पॉजिटिव वे में देखें, अगर आप इन्हीं प्लेटफॉर्म को 6 to 7 आवर पॉजिटिव यूज़ करें तो आप बहुत अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से गाइड करूंगा इसी ही वीडियो के अंदर कि आप किस तरीके से इन टूल की मदद से पैसे अर्न कर सकते हैं, तो इस क्यूरी को माइंड में रखिएगा। तो अब हम इस कोर्स के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरी को डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। तो मैं आपको जस्ट पहले इसकी लाइट सी डेफिनेशन बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग ऐसी स्ट्रेटजी और टेक्निक का नाम है जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं और उसके बदले आपको या तो पैसे मिलते हैं या फिर सर्विस ही मिलती है। तो आई थिंक अभी आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट है, तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको जस्ट छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ डेली लाइफ के बारे से। फॉर एग्जाम्पल आप एक ना वेडिंग कार्ड, शादी कार्ड डिज़ाइन करते हैं और आपकी एक मार्केट के अंदर शॉप है, तो कस्टमर जो नियरेस्ट एरिया है या नियरेस्ट गांव है, नियरेस्ट जो भी आपके घर है वहाँ से लोग आपके पास आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको सबमिट करवाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमें इस फलां डेट को वेडिंग कार्ड, शादी का कार्ड चाहिए। तो आप उनसे पेमेंट भी फाइनलाइज करते हैं कि आपने फलां डेट को आके इतनी पेमेंट देके अपने कार्ड इतने ले जाने हैं। तो ये आप लोकल मार्केट के अंदर सर्विसेज को सेल करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे आपके कंपटीटर्स भी होंगे जो सेम सर्विस को सेल करते हैं और
आपने उनसे कम्पीट करना है, उनसे मुकाबला करना है, तो आपको क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है, उसके बाद अपना रेट भी बैलेंस रखना पड़ता है। ये तो लोकल एग्जाम्पल थी लोकल मार्केट के अंदर। अब फ्रीलांसिंग का मतलब ये कि आपने अपनी इन्हीं सर्विसेज को ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर मूव करना है, इंटरनेट टूल्स के ऊपर आपने ये सर्विसेज को सेल करना है और आपको पैसे मिलेंगे। सेम इसी तरह जिस तरह लोकल मार्केट के अंदर कंपटीशन है, ऑनलाइन मार्केट के ऊपर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना है और सर्विसेज को सेल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड क्यूरी तो फुलफिल हो गई है। अगर अगेन कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर प्रोफेशनल डेफिनेशन बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस होती है, जो आप जिसमें आप खुद ही बॉस होते हैं, खुद ही इम्प्लॉय होते हैं। आपने अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज पर सेल करना है, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो ये जनरल सी डेफिनेशन थी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, की फ्रीलांसिंग किस चीज़ को कहते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर डिटेल से मैं आपको डायग्राम के जरिए भी समझाऊंगा इसको कि फ्रीलांसिंग क्या आती है। नेक्स्ट क्यूरी आती है फ्रीलांसर क्या होता है। तो आई थिंक आप मोस्टली मेंबर्स को आइडिया तो हो चुका है फ्रीलांसर होता क्या है। जिस तरह पेंट करने वाले को पेंटर कहते हैं, कपड़े सिलाई करने वाले को टेलर मास्टर भी कहते हैं, सेम इसी तरह वो पर्सन जो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है उसे फ्रीलांसर भी कहते हैं, उसे डेवलपर भी कहते हैं, उसे प्रोग्रामर भी कहते हैं। मल्टीपल टाइम नाम्स हैं इसके जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत प्रोफेशनल वे से डेफिनेशन को मेंशन किया हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है कि आप अपनी सर्विसेज को जब सेल करते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जॉब कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी जॉब कर सकते हैं, पर टास्क भी कर सकते हैं। आपको एक टास्क मिला आपने वो करना है, आपको रेगुलर कोई हायर कर लेता है उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। तो ये डेफिनेशन बड़ी प्रोफेशनल वे में मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब नेक्स्ट मैं कुछ जो टर्म यूज़ होती हैं अबाउट फ्रीलांसिंग उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर लाइफ साइकिल समझ आ जाए। फ्रीलांसिंग के अंदर 3 से 4 मेजर टर्म्स हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं और इनका आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का मतलब वो वाले टूल, वो वाले प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने जाके सर्विसेज को सेल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल मार्केट की बात करें, अगर आपने कोई शॉप ओपन की है तो डेफिनेटली वो शॉप किसी मार्केट के अंदर ही होगी जहाँ पर आप अपनी कार्ड, वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करने की, टेलर मास्टरी की, या किसी भी एस्पेक्ट से आप सोचें आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं। जैसे लोकल मार्केट के अंदर शॉप्स होती हैं, सेम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आप अपनी शॉप्स ओपन करते हैं। यहाँ पे शॉप से कन्फ्यूज ना हुई होइएगा, शॉप का मतलब प्रोफाइल होती है, अकाउंट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी डिटेल में हम अपकमिंग सेशन के अंदर और देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट होती है सेलर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। तो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर वो मेंबर जो अपनी सर्विसेज को सेल करता है, जिसके बदले उसे पैसे या सर्विस ही मिलती है, तो इसे सेलर कहते हैं। आगे बायर या क्लाइंट किसे कहते हैं। अब बायर या क्लाइंट का मतलब वो है कि वो मेंबर जो आपसे सर्विस परचेज करने के लिए आता है। मिसाल के तौर पे कोई मेंबर आपसे वेडिंग कार्ड, शादी कार्ड डिज़ाइन करने के लिए आता है तो वो बायर होगा। तो सिमिलरिटी इसी तरह ही अगर कोई मेंबर अपने कपड़े सिलाई करवाने आता है टेलर मास्टर के पास तो वो भी बायर या क्लाइंट ही कहलाएगा। नेक्स्ट ये होता है कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। पेमेंट गेटवे वो मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से पैसे मिलते हैं। इंशाल्लाह इसको भी डिटेल से नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा, अभी जस्ट आपको टर्म बताना ही मकसूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर लाइफ साइकिल में बताऊंगा कि बायर है और सर्विस प्रोवाइडर है। ऑनलाइन मार्केट बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स आते हैं, बायर्स आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेंबर कहता है कि मैंने अपना वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करवाना है और इस डेट को चाहिए, तो वो आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करवाता है। तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जिसके साथ उसकी कमिटमेंट डन होती है, उसको वो रिक्वायरमेंट्स दे देता है और वो मेंबर, वो सर्विस प्रोवाइडर उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके रिटर्न में उसको पैसे मिलते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल है। देखिए अब पैसे रिवर्स हो के बायर से सेलर को मिलेंगे, सेलर से बायर को उसकी सर्विस मिल जाएगी। तो ये छोटा सा लाइफ साइकिल था फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। तो अब एक क्यूरी रहती है कि आप किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी ये फ्रीलांसिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको भी मैं जस्ट नेम लेके बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म का नाम है वो Fiverr.com है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लाखों में डेली की ट्रांजेक्शन होती हैं। बायर्स आते हैं, रिक्वायरमेंट्स सबमिट करते हैं, सेलर उनको उनके अपनी सर्विसेज सेल करके देते हैं, उनको काम करके देते हैं, उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं और दोनों एंड पे काम चल रहा होता है, बायर भी खुश, सेलर भी खुश। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म का नाम है Upwork.com। ये भी फाइवर की तरह बहुत प्रोफेशनल टॉप क्लास ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज है जहाँ पे हम अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है Guru.com। इसके अलावा
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीपल पर आवर, फिर freelancer.com, फिर workchest.com आते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ फ्रीलांसिंग। तो ये जो मॉडल्स हैं ये मैंने अपने नॉलेज की बेस पे क्लासिफाई किए हुए हैं। मे बी डिफरेंट मेंबर्स इसे डिफरेंट बेस पे क्लासिफाई करें, मैंने जो रिवीजन किया ये मेरे नॉलेज के मुताबिक है। तो पहले मॉडल के अंदर जो क्लाइंट सेलर मॉडल है, इसके अंदर होता क्या है कि क्लाइंट्स आते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर, फाइवर या अपवर्क या डिफरेंट जो मैंने डिस्कस किए हैं उनके ऊपर आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं कि मुझे फलां डेट को मेरी फलां सर्विस चाहिए, फलां काम मेरा होना चाहिए इतने बजट के अंदर और इतने टाइम फ्रेम के अंदर। तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेलर्स हैं, जिस सेलर के साथ उसको डील डन होती है वो उसको अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट कर देता है, वो वाला सेलर उस मेंबर को, उस क्लाइंट को उस डेट तक उसका काम करके सबमिट करवाता है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और क्लाइंट को उसके सर्विस मिल जाती है, उसका काम कंप्लीट मिल जाता है। तो इस बेस पे वो मनी एक्सचेंज करते हैं और काम उनका ओके हो जाता है। नेक्स्ट मॉडल के अंदर जो आउटसोर्सिंग का मॉडल है, उसके अंदर क्या होता है कि एक क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से आता है, यूएसए का क्लाइंट आता है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके वो किसी सेलर को ढूंढता है जो वो काम करके दे सकता है, तो रिक्वायरमेंट सबमिट करता है। एक सेलर आता है कि सर मैं आपको ये काम इतने टाइम और इतने बजट के अंदर करके दे दूंगा, तो उनकी डील डन होती है। नेक्स्ट अब सेलर क्या करता है, वो क्या करता है, उसने नेक्स्ट एक और मेंबर रखा होता है, अब वो लोकल भी हो सकता है या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कोई दूसरा बंदा ढूंढता है, दूसरा सेलर ढूंढता है, उसे वो उससे कम पैसों पे देता है कि यार मुझे ये काम इस डेट तक करके देना है, तो वो उसे आउटसोर्स कर देता है और उसे विद इन टाइम लेके अपने क्लाइंट को सबमिट भी करवा देता है। तो ये तो था आउटसोर्सिंग, आपने किसी थर्ड पर्सन से काम करवा के अपने क्लाइंट को सबमिट करवा दिया। नेक्स्ट होता है कि एजेंसी बेस। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट आता है, वो आपको रिक्वायरमेंट सबमिट करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर। अब आपने एक एजेंसी रखी हुई, आप पूरी एजेंसी से काम करवाते हैं, एक या एक दूसरी एजेंसी क्लाइंट के तौर पे आती है आपको काम सबमिट करवाती है और आप अपने एजेंसी बेस से ही करवाते हैं जो आपने एजेंसी सेटअप की हुई है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स है, इससे अलावा भी मॉडल्स हो सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप किस सेंस में इसको सोचते हैं, लेके चलते हैं। तो ये तो थे मॉडल ऑफ फ्रीलांसिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो चुका है अबाउट फ्रीलांसिंग के मॉडल के रिलेटेड भी। तो अब आप किस टाइप की सर्विसेज को इन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं उनको भी हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज बहुत अमेजिंग है जिनको आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज के ऊपर और इनकी बड़ी डिमांड है। नेक्स्ट आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, लोगों के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, उनकी सेल बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से जिसके बदले आपको कमीशन मिल सकता है या आप फिक्स सैलरी पे भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट ये होता है ट्रांसलेशन का करना है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, कि आपने किसी का कोई आर्टिकल लिख के देना है, किसी के ब्लॉग लिख के देना है, किसी की बुक लिख के देनी है, किसी को स्टोरी लिख के देनी है, या आप ट्रांसलेशन का काम भी कर सकते हैं उर्दू टू हिंदी, इंग्लिश टू उर्दू, किसी भी लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेशन करके सबमिट करवानी है और इसके बदले आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है। आपको मोटिवेट करने के लिए बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर 1.5 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, आई थिंक 1.7 या 8 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, तो मिलियंस में ही ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस हैं और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं। तो डेफिनेटली जो लोग वीडियोस अपलोड करते हैं वो एडिटिंग भी तो करवाते हैं ना, तो आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके बहुत अच्छे से पैसे अर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इन स्किल्स को भी आपको डिटेल में समझाऊंगा अपने अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट आप म्यूज़िक एंड ऑडियो को भी एडिट वगैरह कर सकते हैं, बिजनेस के हवाले से बड़ी आप इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल के हवाले से कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक के हवाले से देखें तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड्रॉयड iOS के हवाले से, वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, बग फिक्सिंग कर सकते हैं, मतलब टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह इन स्किल्स को हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आप YouTube के हवाले से, अगर आप YouTube चैनल अपना ओपन करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं, इवन पाकिस्तानी इसमें बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, लाखों रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो ये ब्रॉड टर्म है, इसमें आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप, किसी स्पेसिफिक नीच या डोमेन के ऊपर काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपने आर्टिकल लिख के पब्लिश कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा खासा सोर्स ऑफ अर्निंग है। ई कॉमर्स कर सकते हैं जिसमें तो आप मिलियंस में पैसे भी अर्न कर सकते हैं और ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट डिमांडिंग करता है,
तो रिकमेंड करूंगा फ्रीलांसिंग पे पैसे एंड करें और ई कॉमर्स पे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, जैसा कि आपको आइडिया के फ्यूचर सारे के सारा AI बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, तो आप AI की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इन सर्विसेज को वन बाय वन डिटेल में गाइड करूंगा। अभी जस्ट आपको मोटिवेट करना था कि आप किस टाइप की सर्विसेज को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको टिप्स बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग के ऊपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, बी पेशेंट। अगर आपने किसी स्किल को लर्न किया है और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे आ गए हैं बट अभी आपको काम नहीं मिल रहा, तो आपने डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं होना, सब्र करना है। जैसा कि इस्लाम में भी हमें कहा गया है कि सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह पाक से मदद हासिल करो, तो आपने सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपको एक दिन, दो दिन, एक हफ़्ता, एक मंथ, दो मंथ, तीन मंथ काम नहीं मिलता, तो आपने कनेक्टेड रहना है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कंटिन्यूसली टाइम स्पेंड करना है, अपने स्किल को फर्दर इम्प्रूव करना है, तो इंशाल्लाह आपको काम ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो टिप आता है वो बी कंसिस्टेंट। आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं तो आपने रेगुलर काम करना है, ये नहीं कि आपने एक वीक काम किया और फिर एक मंथ आपने ऑफ कर दिया अपने काम को, या फ्रीलांसिंग के ऊपर आपने एक दिन, एक वीक काम किया और आपने रेस्ट कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। स्टार्ट में आपने किसी भी काम का स्टार्ट बहुत हार्ड होता है, आपने स्टार्ट में बहुत एफर्ट करनी है, कंसिस्टेंसी काम करना है, चाहे थोड़ा काम करें बट कंसिस्टेंसी काम करना है, इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट ये है कि बी प्रोफेशनल। आपने प्रोफेशनली तरीके से इन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, प्रोफेशनल एटीट्यूड अपना रखना है, बिहेवियर रखना है आपने, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल रखनी है। उसके अलावा आपको जो रिकमेंड करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि आपने वन डायमेंशनल में अपने आप को एक्सपर्ट करना है। ये नहीं कि आपने मल्टीपल स्किल को इकट्ठा किया, सीखा और आपने सर्विसेज सेल करने लगी, ऐसे आपको कुछ भी काम नहीं मिलेगा। स्टार्ट में आपने अपने एक स्किल को पॉलिश करना है, उसको सेल करना है। जब आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि आपको काम अच्छे से मिलने लग गया है, तो फिर आप किसी अच्छे स्किल को भी साथ अटैच करें और उसको भी सेल करें। तो स्टार्ट में आपने एक ही स्किल को सेल करना है। नेक्स्ट ये कि आपने प्रोवाइड क्वालिटी कॉन्टेंट करना है, अपने क्लाइंट्स को आपने क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर मोस्टली गोरे यूरोप के लोग हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो वो क्वालिटी के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करते हैं। तो आपने शुरू में अच्छे से अच्छा काम डिलीवर करने की कोशिश करनी है ताकि आपको रिटर्न में अच्छा रिस्पॉन्स मिले, टिप वगैरह भी मिले। तो ये आपको मेरी बेस्ट सजेशन है कि आपने क्वालिटी पर फोकस करना है, शुरू में पैसे पर फोकस नहीं करना। अगर क्लाइंट्स आपको कहता है आपने स्पेसिफिक टाइम काम करना है, तो आप उसको बेहतर, उससे भी बेहतर काम करके दें। अगर वो आपको कहता है कि आपने मुझे 10 स्लाइड्स बना के देनी है, आप उसको दो तीन एक्स्ट्रा बना के दें। किसी भी एस्पेक्ट से आप देखें तो उसको एक्स्ट्रा काम ही प्रोवाइड करें ताकि वो अप्रिशिएट करे आपको और नेक्स्ट आपको अपने काम के लिए हायर भी करे। जो सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि बैकबोन है ये फ्रीलांसिंग के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आई थिंक आप फ्लॉप हो जाएंगे। मैंने ऐसे मेंबर भी देखे हैं जिनके पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस है अबाउट स्पेसिफिक डोमेन, बट उनके पास कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल वीक है, तो वो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपने इन सर्विसेज को, इन टिप्स को आपने अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है, और आपको इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट कर रही है इस हवाले से इंपॉर्टेंट काम, वो ये है कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिजी स्किल्स है। डिजी स्किल ने पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग डिटेल में अंडरस्टैंड करनी है, तो डिजी स्किल के कोर्सेज जाके फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ये वो कोर्सेज होते हैं जो अगर आप आउट ऑफ को प्राइवेट करें तो आपको आई थिंक 50-60 हज़ार रुपये पर कोर्स पे करना पड़े, इतनी HD क्वालिटी में आपको वो कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ई रोज़गार प्रोग्राम लॉन्च किया, कमाल का प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम के जरिए भी फ्रीलांसिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। तो नेक्स्ट, HCB हाई लेवल पे ये फ्रीलांसिंग के रिलेटेड एडवांस कोर्सेज करवाती रहती है, वो एडवांस स्किल होते हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। तो रिकमेंड करता हूँ अगर आपका एक लेवल हाई हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एजुकेशन भी अच्छी ही है, आप BS लेवल के, तो आप HEC के कोर्स करें। अगर आप बिगिनिंग लेवल के, तो आप डिजी स्किल या ई रोजगार के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये ब्रीफ सा सेशन था अबाउट फ्रीलांसिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन से काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली हैं। तो अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये वो टाइम है फ्रीलांसिंग में मूव करने का, क्योंकि जैसी सिचुएशन हमारे कंट्री की चल रही है, हम बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं।
अल्लाह पाक हमारे कंट्री के हालात को, सिचुएशन को बेहतर करें। तो ये वो सिचुएशन है, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाहते हैं तो वन एंड ओनली वन, एक ही वे है, आप फ्रीलांसिंग के जरिए या ई कॉमर्स के जरिए अपने आप को स्ट्रांग कर सकें। मैं हर किसी रिकमेंड नहीं करता कि आप आउट ऑफ कंट्री जा के जॉब करें, मैं ये इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि आप विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर रह के अपने पेरेंट्स की खिदमत भी करें और यहाँ पर रह के फ्रीलांसिंग के जरिए अपने फाइनेंशियल कंडीशन को फुलफिल करें, कोई ऐसे स्किल को लर्न करें, अंडरस्टैंड करें जिसकी डिमांड है, और ऑनलाइन मार्केट प्लेसिस पे सेल करें और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकें। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपके लिए तो छोटा सा काम है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट कर सकूं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने रिलेटिव फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस सदका जारिया के दौर पे अगर किसी को इससे बेनिफिट मिला तो डेफिनेटली आपको भी इससे स्वाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड डिटेल में वीडियोज़ बनाऊँगा। जितनी मैंने सर्विसेज बताई हैं कि आप किन किन सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, उन हर सर्विसेज को, उनमें से हर एक सर्विस को मैं वन बाई वन डिटेल में गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।